आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो हम सबसे पहले देखते हैं लैंथेनाइड होते क्या हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी एलिमेंट के लास्ट तीन सेल पार्शियली फिल्ड हों तो हम उसको लैंथेनाइड या एक्टिनाइड कहते हैं, और जिनके दो पार्शियली फिल्ड हों उनको हम डी ब्लॉक कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन यह है कि अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में एंटर करे तो हम उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि एन एस टू, अब डी का नंबर एन से एक कम होगा तो अगर ये 6s है तो ये 5d होगा, और F का नंबर दो कम होगा तो ये हो जाएगा 4F, 5D और 6S, और एक्टिनाइड में ये 7S, 6D और 5F। ठीक है, अब इनको लैंथेनाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंटों को लैंथेनाइड कहते हैं और एक्टिनियम के बाद वाले एलिमेंट को एक्टिनाइड कहते हैं। तो कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आता है लैंथेनम किस ग्रुप का है, तो कुछ बच्चे भैया फंस जाते हैं और वो सोचते हैं लैंथेनाइड नहीं, लैंथेनाइड सीरियम से स्टार्ट होते हैं और एक्टिनाइड थोरियम से स्टार्ट होते हैं। हम पढ़ेंगे, अब हम देखते हैं लैंथेनाइड को याद करने की ट्रिक कि लैंथेनाइड को याद कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा सीरियम, तो कैसे याद करते हैं, सिर पर नदियां प्रेम समाई, फिर से बोलता हूं, सिर पर नदियां प्रेम समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, यार तुम अभी लुल हो। तो ये थे लैंथेनाइड को याद करने का तरीका, और अब हम देखते हैं एक्टिनाइड को याद करने का तरीका। तगड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल लाओ। इसको LW और LR दोनों ही कहते हैं, पर आजकल LR ज्यादा कॉमन है तो मैं इसे कर देता हूं LR। तो लैंथेनाइड को याद करने की ट्रिक हुई क्या, सिर पर नदियां प्रेम समाई, सिर पर नदियां प्रेम समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यार तुम अभी लुल हो। और एक्टिनाइड को याद करने की मेथड हो गई, तगड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल लाओ। अब आया कॉन्फ़िगरेशन की बारी, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड से थोड़े क्वेश्चन कम आते हैं और आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ज्यादा। तो बच्चों को याद रहना चाहिए लैंथेनाइड में कभी भी F2, ठीक है ना, और F8 कभी नहीं आएगा। तो लैंथेनाइड में बच्चों क्या नहीं आएगा, F2 और F8 कभी नहीं आएगा, जबकि एक्टिनाइड का कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय F1, F5 और F8 कभी नहीं आएगा। तो हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो 6s2 पर हम जानते हैं 6s2 पर 56 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, ठीक है ना, और 5d1 पर 57 हो जाते हैं, और ये लैंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब 58 में इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा तो ये हो जाएगा 4f1। अब अगले पीआर में तो ये दो तो देखो कॉमन होंगे ही होंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा, F1 के बाद में F2 आएगा, पर हम जानते हैं F2 होता ही नहीं है, इसलिए D वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके F में चला जाता है और F2 से F3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट ND की तरफ, तो ND में F3 के बाद में ये कितना हो जाएगा, F4 हो जाएगा, और F4 के बाद में PM में प्रोमिथियम में
ये हो जाएगा 5 4F5। प्रोमिथियम लेंथेनाइड सीरीज का एकमात्र रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब बच्चों 5 के बाद क्या आएगा, 6, तो सेमेरियम में F6 हो जाएगा और फिर यूरोपियम में 6 के बाद कितना आएगा, 7, तो यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन 7 हो जाएगा। अब 7 के बाद बच्चों क्या होगा, 7 के बाद में 8 में जाना चाहिए, पर F4F7 हाफ फील्ड हो गई है, तो ये अपनी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए गैडोलियम का इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा, तो गैडोलियम हमारा एक्सेप्शन हो गया। अब यूरोपियम के लिए एक इंपॉर्टेंट बात, यूरोपियम में मैग्नेटिक मूवमेंट ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत सबसे कम होता है, या इसमें सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल डेविएशन पाया जाता है, और यूरोपियम का मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाता है। अब टर्बियम के बाद हम देखेंगे F7 के बाद में ये F8 होना चाहिए, तो जब हम इसको F8 करेंगे तो हम जानते हैं इसमें F8 होता ही नहीं है। जब F8 होता ही नहीं है तो क्या करेंगे, डी वाले को वापस से हम F में भेज देंगे, तो TB भी एक एक्सेप्शन हुआ। अब F के बाद अब कोई एक्सेप्शन नहीं है, 10 में चला जाएगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन 11 में चला जाएगा, और इसके बाद में क्या होगा, F12 हो जाएगा, F12 के बाद में क्या होगा, F13 हो जाएगा, और F13 के बाद में 14 हो जाएगा। अब जो लास्ट एलिमेंट है वो तो भर गया 14, तो वो वापस इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, D1 में चला जाएगा। तो हमने इस तरह लेंथेनाइड का कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय क्या सीखा, कि लेंथेनाइड में कभी भी F2 और F8 नहीं आएगा। जब भी F8 कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ जाएं कि एक्सेप्शन है और उसको करेक्ट कर दें। अब हम चलते हैं एक्टिनाइड की तरफ। एक्टिनाइड में 7S2 पर रेडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो 88 हो गया, और D1 हो जाएगा, लेकिन D1 तो 89 हो जाएगा, तो एक्टिनियम अब F1 में जाना चाहिए, पर F1 होता ही नहीं है, इसलिए F वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके D में चला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये F1 होगा, पर F1 होता नहीं, तो वापस D का इलेक्ट्रॉन जंप करके फिर से F में चला जाएगा, तो F2 हो जाएगा, और फिर आप देख रहे हैं कॉमन होगा, फिर F3 हो जाएगा। ठीक है ना, पर आपको याद क्या रखना है कि इसमें कभी भी 5F5 नहीं होगा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, F में, और 5 हो जाएगा, पर 5 होता नहीं, तो ये वाला D वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके F में चला जाएगा, तो F में 5 की बजाय 6 हो जाएंगे। अब फिर कॉमन है 7 हो जाएंगे, 7 हाफ फील्ड हो गया है, तो CM में ये D में चला जाएगा। अब जब हम BK का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 7 के बाद बच्चों क्या आना चाहिए, 8, अब 8 होता ही नहीं है, जब 8 होता नहीं है तो जैसे ये 8 होगा तो D वाला इलेक्ट्रॉन वापस से जंप करके F में आ जाएगा, तो F9 हो जाएगा, फिर F10 हो जाएगा, और F10 के बाद में ये F11 हो जाएगा, और F11 के बाद में F12 हो जाएगा, और F12 के बाद में F13 हो जाएगा, और F13 के बाद में F14 हो जाएगा। 14 से ज़्यादा F में आते ही नहीं है, तो फिर वापस से लॉरेंशियम में इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या सीखा कि 4F में कभी भी F2 और F8 नहीं आएगा, जबकि 5F में कभी भी 5F1, 5F5 और 5F8 नहीं आएगा। ये कॉम्पिटिटिव के लिए इम्पॉर्टेंट है।